सो हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सभी लोग। सो आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 सोलो बसेस फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारी नंबर वन टिप से वो है नेवर गेट सराउंडेड। तो सबसे पहले आप पोजीशन देखो, मैं यहाँ पर हूँ और जो मेरे चारों एनिमीज है वो यहाँ पर हैं। तो आपको करना क्या, आपको जो टॉप राइट साइड वाला एनिमी है उसके टारगेट करना है, या फिर जो टॉप लेफ्ट साइड वाला एनिमी है उसको टारगेट करना है। रुको, मैं आपको पॉइंट करके बता देता हूँ। या तो आपको इस वाले एनिमी को टारगेट करना है, या फिर जो सबसे ऊपर वाला एनिमी है उसको टारगेट करना है। बीच के जो एनिमी है उनके तरफ कभी भी पुश मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपको चारों साइड से घेर लेंगे, फिर आपका बचवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कुछ इस पोजीशन में आ जाओगे, आप सेंटर में आए, उन्होंने आपको चारों साइड से घेर लिया, फिर आपके पास जाया भले ही कितनी भी ग्लू बॉल क्यों ना हो, आपका बचवाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको करना क्या है, या तो आपको दूसरी ट्रिक का यूज़ करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर आपकी ये एनिमी के साथ वन वर्सेस वन फाइट हो गई। तो आपने उसे नॉक कर दिया, तो पीछे से जो उसके प्लेयर्स हैं वो आ ही रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। अगर आप उसे नॉक कर दोगे तो ये कुछ इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस पोजीशन में उनसे लड़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, आपको इन्होंने घेरा हुआ नहीं है। तो इस पोजीशन में आप इससे लड़ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नंबर टू टिप की। तो हमारी नंबर टू टिप है वो है बेस्ट स्प्रिंटर। तो ये जो हमारी बेस्ट स्प्रिंटर ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो आपको स्प्रिंटिंग बहुत ही अच्छा आनी चाहिए, और आपका मूवमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फिर अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग डोर और विंडो को पार कर करके, तो आप इसके लिए कुछ भी लगा सकते हो, क्लासिंग या कुछ भी लगा कर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर पूरा स्क्वाड आपकी तरफ रश करता है तो अगर आपकी मूवमेंट अच्छी होगी तो आप वहाँ से भाग सकते हैं जल्दी से। तो देखो, आप कुछ इस तरह इस विंडो में फंस जाते हो तो पीछे था एनिमी वो आपको किल कर देता है। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी अटकना नहीं, जैसे कि विंडो में आप यहाँ पे थोड़ी देर अटक गए, फिर आप यहाँ पे डोर में जा रहे हो तो आप यहाँ पे अटक जाते हो, तो आपको ऐसे अटकना नहीं है। इतने में जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो आपको किल कर देंगे। तो आपको स्प्रिंटिंग की बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्प्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारी नंबर थ्री टिप से वो है गेट द सेफ स्पॉट। तो सेफ स्पॉट क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ एंट्रेंस का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, मतलब सिर्फ एंट्री करने का एक ही पॉइंट होता है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे पता है कि सिर्फ एनिमी सिर्फ यहाँ से ही आ सकता है, अगर वो आता है तो मैं उससे किल कर सकता हूँ या तो नॉक कर सकता हूँ। तो मैं आपको दूसरी प्लेस भी दिखा देता हूँ, मतलब कि मुझे यहाँ डबल डोर में पता है सिर्फ एनिमी यहीं पर आ सकता है, अगर वो आता है तो मैं सिर्फ किल कर सकता हूँ। सिर्फ यहीं नहीं, मैं यहाँ देखो सोफे के पीछे बैठा हूँ, अगर एनिमी इधर आता है तो मैं उसे किल कर सकता हूँ, या तो फिर मैं पीछे से भाग भी सकता हूँ। आई होप आपको टिप्स अच्छी लगी होगी। तो नंबर फोर की बात करें तो नंबर फोर टिप से किल नॉक्ड एनिमी इफ पॉसिबल। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, एनिमी को नॉक करते फिर सोचते हैं कि जो उसका पार्टनर है वो उसको रिवाइव करने आएगा तो मैं तब उसे भी किल कर दूंगा, पर ऐसा होता नहीं। उसका जो पार्टनर होता है वो उसे भी रिवाइव कर लेता है, फिर आप सोचते हो कि मेरी वो वाली किल भी चली गई, फिर आप उसकी तरफ रश करते हो। तो अगर आप रश करते हो तो आप वहाँ पे मारे जाते हो। तो अगर आप एनिमी को किल कर सकते हो तो किल कर देना चाहिए। अब नंबर फाइव टिप्स की बात करें तो हमारी नंबर फाइव टिप्स है फॉल्स साइल कॉल। तो एक ये टेक्निक है जिसमें आप एनिमी को बेवकूफ बनाते हो। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आपको इसके लिए दो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाली गन चाहिए होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे MP40 और ये शॉर्ट गन ली है छोटी वाली। तो आपको ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन से आपको फायर करना है, जिससे एनिमी को लगेगा कि यहाँ पे फाइट हो रही है तो वो आपकी तरफ रश करेंगे, जैसे वो रश करेंगे तो आप उनको किल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ज़रूर।